का हिमाचल और सब वर्ग इकट्ठा होकर के काम करें उसमें हम सफल हुए हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत बड़ा सहयोग दे रही है हमको। हमारे आने वाले समय में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्वास और आस्था का एक विषय जो हिमाचल के लोगों के मन और दिल में है, और हिमाचल प्रदेश के लोग मोदी जी को बहुत दिल से प्यार करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको और मजबूत करने के लिए हिमाचल में फिर भाजपा की सरकार। कांग्रेस के दो विधायक भाजपा में, तब से भाजपा में बगावत के शुरू भी चल रहे हैं। देखिए, ऐसी बातें थोड़ी बहुत चलती रही, हम चुनाव के नजदीक हैं, कुछ का आना कुछ का जाना ऐसा थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन उसके बावजूद पार्टी के प्लेटफॉर्म के अंदर है, सब लोगों से बातचीत हो रही है, पार्टी के नेतृत्व बात कर रहा है और समस्या का समाधान निकला है। सर, संगठन ने भी तैयारी कर ली है, चुनाव प्रबंधन समिति का आपको, संचालन समिति का आपको अध्यक्ष बनाया है और प्रबंधन का डॉक्टर राजीव बिंदल को अध्यक्ष बनाया है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि पिछले दो वर्षों से जैसे डॉक्टर राजीव बिंदल की नियुक्ति हुई है, पिछले दो वर्षों से वो सिमनाहन तक ही सीमित है, तो उसे कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से डॉक्टर राजीव बिंदल जी हमारे प्रदेश के प्रमुख नेताओं में से एक हैं और उसमें उनकी भूमिका रही है, पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, इस तरह के दायित्व सब जो है निभाए हैं और संगठन में उनके काम करने की एक अपनी एक कुशलता है और उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पार्टी नेतृत्व ने तय किया है कि चुनाव का जो मैनेजमेंट का काम है जो है उसमें उनकी भूमिका रहे, उस दृष्टि से मैं उनको बधाई भी देता हूँ, बहुत अच्छा काम है। सर, अर्की कॉलेज में दो साल से लेक्चरर नहीं है। हाँ, वो बात आज बच्चे मिले थे, उन्होंने कहा, मैं तुरंत जाते ही मैंने सेक्रेटरी एजुकेशन को कह भी दिया है इस सिलसिले में कि जो फैकल्टी यहाँ पर ऐसी है जो स्टाफ के बिना है, टीचर के बिना है, तो निश्चित करें कहाँ से हम स्टाफिंग कर सकते हैं, शिफ्टिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो अरेंजमेंट। सर, जो विधायक शामिल हो रहे हैं कांग्रेस में उनको टिकट दिला रहे हैं।